एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आजकल पाकिस्तान के संदर्भ में से एक तरह से अच्छी बैठती है, फिट बैठती है, क्योंकि आप देखा है कि पाकिस्तान आजकल भारत के लिए भी आतंकवादी शब्दों का यूज कर रहा है, कह रहा है कि आतंकवादियों को भारत एक तरह से मदद करता है, यानी कि इन्हें बनाता है। समझ रहे हैं, भारत में भी आतंकवादी पनपते हैं। तो अभी आपने देखा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत द्वारा दो भारतीय नागरिकों को UNSC 1267 प्रतिबंध समिति के तहत आतंकवादी घोषित किए जाने के प्रयास को रद्द कर दिया। किसने? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। इससे आपके क्वेश्चंस पूरा बनने की संभावना रहती है और आपका मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपके इंटरव्यू में भी। एक बात याद रखिए, इसमें आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के पांच छह शाखा हैं, छह भाग हैं एक तरह से, जिसमें आप देखते हैं महासभा भी देखते हैं, आप सुरक्षा परिषद भी देखते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी देखते हैं, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो उन्हीं में से एक आपका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, इसका मेन उद्देश्य है। और इसके सभी सदस्यों के लिए एक बोर्ड निर्धारित होता है और सभी सदस्य पालन करने के लिए बाध्य भी होते हैं इसके निर्णय की। जो भी ये निर्णय देता है उसको मानना बाध्य होता है। इसमें आप 15 सदस्य देखेंगे। इसमें आप देखेंगे पांच स्थायी हैं जिन्हें वीटो का अधिकार मिला हुआ है। ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है। सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से? चाइना, रूस, फ्रांस, यूके, यूएसए। ठीक है, इन्हें वीटो पावर का मिली हुई है। वीटो का पावर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रस्ताव आता है, चार देश भी अगर इसके पक्ष में रहते हैं, एक देश भी अगर इसके विपक्ष में है, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। समझ रहे हैं बात कहने का, कि सभी को सहमति होना चाहिए जिस भी कोई भी मुद्दा हो। इसमें आपके 10 अस्थायी सदस्य देखने को मिलेंगे। उनका समय 2 साल का रहता है, उनका कार्यकाल जो रहता है 2 साल का रहता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ है और इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस समिति ने 2 सितंबर 2020 को अंगारा अप्पाजी और गोविंद पटनायक नामक दो भारतीय नागरिकों को आतंकवादी घोषित किए जाने की पाकिस्तान की मांग को रद्द कर दिया है। इन नाम को भी याद रखिए, हो सकता है कि वनडे एग्जाम में भी आपका क्वेश्चंस बन जाए इससे। अंगारा अप्पाजी और गोविंद पटनायक, पाकिस्तान ने इन दो भारतीय नागरिकों पर एक 4 सदस्यीय अफगानिस्तान आधारित भारतीय आतंकी सिंडिकेट का हिस्सा होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के अनुसार ये भारतीय नागरिक प्रतिबंधित आतंकी समूह तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान और जमात उल अहरार को पाकिस्तान में हमले करने के लिए संगठित कर रहे थे। UNSC में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने इन दो भारतीयों को आतंकवादी घोषित किए जाने पर रोक लगा दी है। किसने? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। एक बात याद रखिए, अधिकतर देश हमारे पक्ष में रहते हैं, लेकिन चाइना क्या है, चाइना, तुर्की, इंडोनेशिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं। तुर्की तो आप देख ही रहे हैं कि करता रहता है, और चाइना हमेशा करेगा। मसूद अजहर का मामला देख लीजिए आप लोग, उस पर भी वीटो पावर लगा देता था चाइना, बहुत एक तरह से फिर दबाव पड़ा। उसके बाद आपने देखा कि वो अपने मतलब उसने नहीं दोबारा वीटो की, तब जाके आतंकी संगठनों में शामिल हुआ है। पूर्व की अगर हम प्रयास की बात करें तो इससे पहले पाकिस्तान द्वारा दो अन्य भारतीय जिसमें आप वेणु माधव डोंगरा और अजोय मिस्त्री को इस समिति के तहत आतंकवादी घोषित किए जाने की मांग की गई थी। इससे पहले भी पाकिस्तान कई इस तरह की बात कर चुका है। हालांकि वेणु माधव डोंगरा के नाम पर अमेरिका द्वारा 19 जून और अजोय मिस्त्री के नाम पर 16 जुलाई को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम द्वारा रोक लगा दी गई थी। गौरतलब है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जबकि जर्मनी और बेल्जियम अस्थायी सदस्य हैं। और आपसे कहा ना कि वीटो पावर एक भी लगा दे तो उस पर रोक लग जाती है। चाइना भले ही साथ देता रहे, जब सभी देश उसमें पक्ष में नहीं होंगे तो कहां से पास होगा वो प्रस्ताव।
पूर्व में इन्हीं पांच देशों ने पाकिस्तान को अंगारा, अप्पाजी और गोविंद पटनायक पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करते हुए इनके नामों पर अस्थायी रोक लगा दी थी। पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया कि उसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की आतंकवादी गतिविधियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा नामक रिपोर्ट पर सुरक्षा परिषद की खुली बहस में एक बयान दिया था, जिसमें उसने भारत पर चार प्रकार के आतंक का आरोप लगाया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष ने पाकिस्तान के पत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान UNSC का सदस्य नहीं है। क्या पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है? और याद रखिए, अभी ग्रे लिस्ट में डला हुआ है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान सोच रहा है कि हम वहां से निकल जाए, कहीं ब्लैक लिस्टेड ना हो जाए, तो इसलिए भी पाकिस्तान इस तरह की कोशिश कर रहा है। कारण की बात करें तो भारतीय अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान का यह कदम एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्ष 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के कार्यकाल के शुरू होने से पहले विवाद फैलाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान के इन प्रयासों के माध्यम से भारत द्वारा मई 2019 में UNSC 1267 प्रतिबंध समिति के तहत जैसे मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी नामित करने में सफल होने का बदला लेना है, जिसकी मैंने बात की ना, मसूद अजहर की, यही है वो। इसके प्रभाव की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को पाकिस्तान के प्रस्ताव के खिलाफ मिला इन पांच देशों का समर्थन सुरक्षा परिषद और वैश्विक राजनीति में भारत की मजबूत होती पहुंच का संकेत है। पाकिस्तान द्वारा भारतीय नागरिकों पर लगाए गए आरोपों के रद्द होने में से विश्व के समक्ष उसकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चुनौतियों की बात करें तो चुनौती पाकिस्तान द्वारा भारतीय नागरिकों पर लगाए गए आरोपों को रद्द करने में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस प्रमुख थे। इस बात का संकेत है कि सुरक्षा परिषद के अन्य दो स्थायी सदस्य चीन और रूस ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि रूस भी हमसे दूर होता जा रहा है। एक समय हमारा अच्छा मित्र हुआ करता था रूस, लेकिन आजकल हमारी दूरियां बढ़ रही हैं। और इससे पहले मैं बता चुका हूं कि अगर एक भी देश हमारे सपोर्ट में रहता है या हम कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई भी एक देश रहता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। इसमें मसूद अजहर को हम लोग बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं कि इसे आतंकवादी नामित कर देना चाहिए, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली है, जब तक कि चाइना अलग धड़क पड़ा रहा। जब चाइना ने भी इस पर सहमति जताई तभी जाकर ये पारित हो पाया और मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया गया है। अब बात करते हैं UNSC 1267 प्रतिबंध समिति क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति को अलकायदा प्रतिबंध समिति या फिर ISIL के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इस समिति की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 वर्ष 1999 के आधार पर की गई थी। इस समिति में UNSC के सभी 15 सदस्य शामिल होते हैं और सर्वसम्मति से अपना निर्णय लेते हैं। यह समिति UNSC प्रस्ताव के मानदंडों के अनुरूप संबंधित व्यक्तियों और समूहों को चिन्हित करने और उन पर प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की देखरेख का भी काम करती है। यह समिति प्रतिबंधों के कार्यान्वयन पर सुरक्षा परिषद के वार्षिक रिपोर्ट भी देती है। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि UNSC में पाकिस्तान के प्रस्ताव के खिलाफ भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों का समर्थन मिलना भारतीय विदेश नीति की एक बड़ी सफलता है। हालांकि भारत को अधिक से अधिक देशों के बीच अपनी पहुंच को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और भारतीय सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हुए हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति में भारत को अमेरिका और रूस के साथ संबंध संतुलन को बनाए रखने का पर विशेष ध्यान भी देना होगा, क्योंकि आपने देखिए एक रूस एक भरोसेदार मित्र है लेकिन अमेरिका एक मतलबी दोस्त की तरह होता है। इससे पहले आप देखते हैं कि अमेरिका हमेशा चीन का सपोर्ट करता था, लेकिन आजकल हमारा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए क्योंकि अगर चीन को आगे बढ़ने से रोकना है तो भारत की उसे मदद चाहिए, तो इसलिए देखा जा रहा है कि भारत की मदद कर रहा है हर संभव, तो हमें दोनों में संतुलन बना के चलना होगा, रूस को भी साथ लेकर चलना होगा और भारत अमेरिका को भी, ठीक है।